नमस्कार। रामगढ़ उपचुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बच गए हैं जब मतदान होगा। इसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब रामगढ़ उपचुनाव का कमान संभाल लिया है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक रही महागठबंधन की, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम और राजद के नेता भी शामिल हुए। दरअसल हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जिस तरीके से पिछला 4 उपचुनाव जो अब तक हुआ है उसमें महागठबंधन को जीत मिली थी, रामगढ़ में ये 5वां उपचुनाव है हेमंत सोरेन के कार्यकाल का। इस उपचुनाव में भी महागठबंधन जीत हासिल करना चाहता है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अब गंभीर हो गए हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश महागठबंधन के नेताओं को मुख्यमंत्री ने दिया है, क्या गुरु मंत्र दिया है कि कैसे बाकी के 4 उपचुनावों की तरह 5वां उपचुनाव जो रामगढ़ में अभी हो रहा है उसमें जीत हासिल किया जाए। हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं। बाबा, एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है अभी सीएम हाउस में, वहाँ पे जो यूपीए के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, बजरंग महतो वो भी मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे, जेएमएम के कई नेता मौजूद रहे। ये किस टाइप की रणनीति जो है बन रही है और मुख्यमंत्री ये जो आज बैठक किए उसके जरिए क्या रामगढ़ की जनता को उन्होंने संदेश दिया? रामगढ़ की जनता को तो उन्होंने अभी कोई संदेश नहीं दिया, अपने नेताओं को संदेश दे दिया कि किस ब्लॉक में कौन ताकत लगाएगा, किसकी ड्यूटी क्या है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि जिसको जितना काम दिया जाएगा उतने पे ही करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एक समन्वय समिति बनाया गया है जिसमें तीनों पार्टी के नेताओं को रखा गया है। जेएमएम से विनोद किस्कू होंगे जो उनके जिला अध्यक्ष हैं, और संजीव बेदिया जो केंद्रीय समिति सदस्य हैं वो होंगे। आरजेडी के तरफ से गुलजार अंसारी जो हैं जिला अध्यक्ष वहाँ के वो हैं, और फिर रमेश यादव जो वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के वो रहेंगे, और कांग्रेस के तरफ से शहजादा अनवर को उस समिति में रखा गया है और संजय लाल पासवान। इन कई सारे मंत्रियों को भी जिम्मेवारी दी गई है, खास करके कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं वो प्रखंड वाइज जिम्मेवारी दी गई है। समन्वय करेंगे कि किसके कार्यकर्ता कहाँ जा रहे हैं, तो ये 6 लोगों की एक कमेटी बनी है जी, हर दल से 2-2, और इसके बाद किस नेता की सभा कहाँ करानी है, किस गांव में कौन सा नेता जाएंगे, समय क्या होगा, ये 6 लोग डिसाइड करेंगे। तो अभी जो फिलहाल तय हुआ है, चूंकि जो बजरंग महतो हैं उन्होंने सीएम का कार्यक्रम भी मांगा और सीएम ने 19 तारीख को कार्यक्रम गोला में जो उनका नेमरा मतलब यूं कहे कि पैतृक आवास है, मतलब तो बड़ी खबर है, बड़ी खबर है कि 19 तारीख को मुख्यमंत्री खुद रामगढ़ में जाकर के जो है प्रचार करेंगे। नेमरा जो कि उनका पैतृक गांव है उस इलाके में, वहां पे का भी गांव है, वहां पे जाएंगे मुख्यमंत्री, और अभी से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जैसे ही ये जो प्लानिंग आज जो बताया गया नेताओं को कि 19 तारीख को मुख्यमंत्री जाएंगे, उसके ठीक पहले से ही जो है उनकी तैयारी भी की जा रही है कि भाई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ वहां पे अच्छे से लोग आए, मुख्यमंत्री का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे। तो सभा है, अब देखिए 4 प्रखंड के लिए, 4 प्रखंड पड़ते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तो उसमें कांग्रेस ने अपना प्रभारी नियुक्त किया है। जैसे गोला में बादल पत्रलेख को नियुक्त किया गया है, चितरपुर में आलमगीर साहब हैं क्योंकि वहाँ पे एक मुस्लिम आबादी एक अच्छी खासी संख्या में है, दुलमी में रमेश्वर उरांव को नियुक्त किया गया है प्रभारी, और रामगढ़ जो टाउन है वहाँ पे बन्ना गुप्ता। दरअसल बन्ना गुप्ता वो शख्स हैं जो रामगढ़ का जो शहरी वोटर है, क्योंकि रामगढ़ पिछले चुनाव में आप देखिए तो रामगढ़ में फर्स्ट नंबर सबसे ज़्यादा वोट आया बीजेपी को, सेकेंड आया कांग्रेस को, और थर्ड में रही थी आसू। तो इस बार जो बीजेपी और आसू का गठबंधन हुआ है तो इस गठबंधन से एक बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है कि रामगढ़ शहर का जो है वो जाएगा बीजेपी के तरफ, आसू के तरफ, तो उसकी काट के लिए बन्ना गुप्ता को लाया गया है। बन्ना गुप्ता बोलने में भी काफ़ी माहिर हैं,
और बाकी वो सभी जो कास्ट के लोग हैं उनमें वो इजीली एसेसेबल एडजस्ट कर जाते हैं। और बन्ना गुप्ता ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, जो पंजाबी समुदाय के लोग जमशेदपुर में रहते हैं उन दो चार लोगों को बन्ना गुप्ता ने यहाँ भेज दिया है। गुरुद्वारा रोड में उनका काम ही है, सुभाष चौक से लेके गुरुद्वारा रोड तक में जितना भी पंजाबी समुदाय के वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा भी है रामगढ़, उन लोगों के डोर टू डोर जाना है। और बन्ना गुप्ता ने अपनी ओर से ये कहा है कि आप खाइए भी उन्हीं का, वोट भी मांगिए उन्हीं का। तो इस कला में जब माहिर है वो हक से करते हैं किसी चीज़ को, तो जितना अपने आप को कनेक्ट दिखाएंगे लोगों से लग रहा है कि बीजेपी का वोट वहाँ पे। दूसरा बात है कि पिछली बार भी गोला में जीते थे ये लोग कांग्रेस के, ममता देवी। इस बार गोला में प्रचंड जीत का इन लोगों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो गोला जीतेगा वही रामगढ़ जीतेगा। गोला सबसे इस प्रखंड में सबसे अधिक वोटर है, यहाँ जिम्मेवारी मिली है बादल पत्रलेख, बादल पत्रलेख को। और चूंकि मुख्यमंत्री का अपना पैतृक आवास है, बजरंग का अपना पैतृक घर है, और गोला जो आप चौक पे जाइएगा तो कोरोना काल में वहाँ डेली मार्केट इस्टेब्लिश किया गया है। उस डेली मार्केट को बार बार बताया जा रहा है किसानों को कि देखिए इससे आपको फायदा हुआ ना, ये ममता देवी ने किया है और मुख्यमंत्री ने किया है। ये है अब जैसे चितरपुर, हाँ चितरपुर में आलमगीर साहब को दिया गया है। चितरपुर जो आप सड़क पार करेंगे तो बाएं और दोनों साइड थोड़ा सोनार जाति से संबंधित ओबीसी कास्ट का है और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। वहाँ बस स्टैंड भी है, वहाँ बाजार भी है, फल और कारोबारी जो सब्जी वाले हैं वो भी अधिक संख्या में हैं। ठीक है, तो वो एक इशू बनेगा। लेकिन वहाँ के कुछ लोग नाराज हैं पानी को लेकर चितरपुर में, कि पानी टैंकी रामगढ़ में ओवरऑल पानी को लेकर के प्रॉब्लम तो नहीं है, खास करके पूरा जो कैंट एरिया नहीं। रामगढ़ जो विधानसभा है वहाँ पे सर्वाधिक खेती और किसान लोग हैं, और वहाँ आपको पता देते कि 1982 से भैरवी जलाशय योजना की शुरुआत की गई थी ताकि वो नहर बन जाएगा और उससे कैनाल दे के सबको पानी मिलेगा। अब तक वो शुरू नहीं हो पाया, तो वो एक इशू को ये लोग पकड़ रहे हैं, क्योंकि ममता देवी ने पिछले, आपको पता होगा, विधानसभा के सत्र में उस मुद्दा को उठाया था और मुख्यमंत्री ने उस पर आश्वासन भी दिया था। तो एक वो इशू है। तीसरी बात है जो ये दुलमी का एरिया जो है वो महत्वपूर्ण है, जो वहां पे जाने से पता चलता है कि एनडीए का जो प्रभाव है खास करके आजसू का वो ज्यादा है। हाँ, दुलमी में ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे रामेश्वर उरांव को जिम्मेवारी, रामेश्वर उरांव को लगाया गया है, लेकिन दुलमी में खुद बजरंग महतो ज्यादा कॉन्शस हैं, इस वजह से कि जो भी छात्र नेता खड़े हैं दो या तीन वो सब दुलमी प्रखंड से ही खड़े हैं, वो उन्हीं का घर है। चाहे योगेश्वर महतो हो, चाहे वो जो अभी PhD की तैयारी कर रहे हैं वो जो छात्र, वो भी वहीं से खड़ा है। तो एक ही प्रखंड से तीन लोग ऑलरेडी खड़े हैं जो छात्र हैं, और तो इसलिए वो मान रहे हैं कि जो छात्र नाराज हैं नौकरी या इससे संबंधित, वो वोट अगर उधर जाता है तो दुलमी में इस बार हम लोग बराबर आ जाएंगे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा थिंकिंग है कांग्रेस का मानने का। लेकिन वहाँ पे विनोद किस्कू जो हैं जिला अध्यक्ष, उनको एक दमदार माना जाता है, JMM के जिला अध्यक्ष, खास करके हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है वो ज्यादा प्रभावशाली बन गए हैं इलाके में। और संजीव बेदिया हैं, कुछ खुद फागु बेसरा जो हैं वो भी हैं। इन सबसे अच्छा रोल प्ले करने में देखने को मिल रहा है, जो बोकारो से सटा हुआ इलाका है। आप वहाँ पे पहला अगर मोहल्ला छोड़ दे तो दूसरा मोहल्ला से मुस्लिम बस्ती की शुरुआत होती है, वहाँ पे जलेश्वर महतो भी रोल प्ले कर रहे हैं। और जो JMM के पूर्व विधायक थे गोमिया से, योगेश्वर महतो, हाँ उनका योगेंद्र महतो, उनका भी जो है वो लोग वहीं पे कैंप कर रहे हैं। अब क्या है, योगेंद्र महतो भी आज CM आवास में थे। हाँ, तो अब इन सब के अलावा अब जो प्रखंड का तो सबको जिम्मा दे दिया गया, अब किस क्षेत्र में किस नेता को घुमाने से फायदा होगा उसके लिए 6 लोगों का लिस्ट बना दिया गया कि ये 6 लोग जो
तय करेंगे, जिनका मांग होगा कि भाई आरजेडी से आप फलाने जी को भेजिए, हाँ, कांग्रेस से फलाने जी को भेजिए, उन लोगों को वहां पे भेजा जाएगा। हाँ, जैसे अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अगर कहे कि अगर तेजस्वी की भी सभा की जरूरत पड़ेगी तो तेजस्वी भी आएंगे, पार्टी आग्रह करेगी उन्होंने। आप याद कीजिए ना, मधुपुर में जब महागठबंधन को लगने लगा कि मधुपुर के इलाके में खास करो और इन सब जो था पंचायत था उन लोग उसमें लाना पड़ा उन लोगों को। हाँ, तो यहाँ पे भी है। अब जैसे यहाँ पे एससी समुदाय का लगभग 16-17 हजार वोट है, उस वोट को लेकर क्या होता है, किसको टास्क मिलता है और वो कैसे काम करते हैं, वो सब संजीव बेदिया तय देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है या जो आदिवासी समुदाय का, वो एकमुश्त वोट कांग्रेस अपनी ओर गिन रही है कि उसमें कोई सेंधमारी नहीं कर सकता है। नहीं तो बाबूलाल भी तो कैंप करेंगे ना। बाबूलाल, क्या बाबूलाल का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा? बाबूलाल रामगढ़ से विधायक रहे पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो यहीं से चुनाव, लेकिन उस समय रोशन लाल चौधरी थे वहां के विधायक और उन्होंने इस्तीफा दिया था तो बाबूलाल मरांडी लड़े थे और वो तत्कालिक था एक तरह से उपचुनाव, तो इसलिए उनको मिला लाभ। लेकिन बाबू जो अभी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, संगठन महामंत्री जो हैं वो, और फिर से जाके बाबूलाल मरांडी जो आसू सुप्रीमो सुदेश महतो से जो बातचीत किए उनके आवास में, वहां की क्या रणनीति बनी, तो अभी वहां पे आदित्य साहू को एक तरीके से बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त कर दिया है कि जहां जहां जिसको जिसको लगाना है वो आपको लगाएंगे। अब ये जो चार प्रखंड है, चार का जिम्मा है, छह लोग को जिम्मा दिया है कि भाई आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। इन सब के अलावा बजरंग महतो ने आज के बैठक में ये कहा कि थोड़ा जिला प्रशासन का रुख को भी लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि काम मन लायक नहीं हो रहा है, तो वो मतलब आप ये तो गंभीर बात है ना। हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि बजरंग महतो ने मुख्यमंत्री से कहा है कि काम मन लायक नहीं होना, मतलब क्या बजरंग महतो ये चाह रहे हैं कि सरकार अपनी है तो अपने हिसाब से वहां पे काम हो। उनका बोलने का तरीका ये था कि जिला प्रशासन ज्यादा छूट दे रही है आसू को। अच्छा, वो और कड़क चाहते हैं और आसू के नेता खुलेआम ये कहते फिर रहे हैं कि जिला प्रशासन पार्टी की तरह काम कर रही है, कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। अब सच्चा कौन है झूठा कौन है वो तो जिला प्रशासन बता पाएगा या वहाँ के लोग बता पाएंगे। लेकिन जो मैं 3-4 दिन लगातार गया रामगढ़ में, पुलिस की अच्छी खासी संख्या हर चौक चौराहे पर सड़क के किनारे आपको मिलेगा, रेगुलर पुलिस वाले बाइक से फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और खुद डीसी और एसपी स्कॉट कर रहे हैं क्षेत्रों का, और जो सारे वीडियो हैं वो लोग इस बात का मतलब ये कर रहे हैं, जैसे उनका 12 बॉर्डर है, 12 को सील कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे हर गाड़ी का एंट्री और एग्जिट के समय चेक भी हो रहा है। अब ये जो 19 तारीख को सीएम कूदेंगे, खुद जब जाएंगे सभा करने, तो भीड़ तो पता है कि किस जिले से किस प्रखंड से कितना लाना है और किसको लाना है, लेकिन उसके बाद क्या परिस्थितियाँ बनती है, क्या बदलती है, वो देखना होगा। और इसका काट आजसू ने क्या निकाला है, आजसू ने एकमात्र जनसभा की है चूल्हा प्रमुखों की, और उस समय हर 10 घर पे वहाँ पे एक महिला और एक पुरुष चूल्हा प्रमुख बनाया अपने संगठन में। उस दो आदमी का जिम्मा है कि 10 घर के लोगों को अपनी तरफ रखना और उनके जितने भी प्रखंड में घर हैं उन सब घर को काउंट करके उन लोगों ने लगभग 20-22 हजार चूल्हा प्रमुखों की एक बैठक सीपी चौधरी कॉलेज में की थी और वो भीड़ काफी अच्छी भीड़ थी। हाँ, काफी संख्या थी उसमें। तो अब उनका है कि एकदम डोर मतलब गली और चौक चौराहे पे नहीं प्रचार करना है, एकदम डोर टू डोर प्रचार करना है। मतलब घर में पता है एक घर में 5 सदस्य है तो कितना हमको वोट जाएगा, इतना जाएगा। तो अब आंसू इस प्रकरण में लगी है कि वोट की गिनती हम कर ले अभी चुनाव से पूर्व कि कितना वोट पड़ेगा और कितना हमको पड़ेगा और उसके अनुसार से स्ट्रेटेजी में चेंज हो रहा है। तो खबर यही है और स्ट्रेटेजी बन रही है दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से भी, यूपीए की तरफ से। महज 12 दिन रह गए हैं मतदान में,
27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव में मतदान होना है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सक्रिय हो गए हैं, खुद से जो है रामगढ़ उपचुनाव का कमान संभाल लिए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में चार कांग्रेस के जो मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे से हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में, उन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है अलचारों प्रखंड का। गोला के लिए बादल पत्रलेख हैं, चितरपुर के लिए आलमगीर आलम हैं, दुलमी के लिए रामेश्वर उरांव हैं और बन्ना गुप्ता को जो है रामगढ़ की जिम्मेवारी दी गई है। इन चारों लोगों को जो है इन चारों प्रखंडों में कैसे जा करके जनसंपर्क करते हैं, कैसे लोगों को अपने पक्ष में रखते हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है, तो ये लोग जो है अब कैंप करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद 19 फरवरी को जाएंगे और रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार करेंगे। नेमरा के इलाके में उनका सभा होना है जहाँ पर उनका पैतृक गाँव भी है। तो यही खबर है जो महत्वपूर्ण है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के। आगे जैसे ही इसमें कोई और बड़ी अपडेट्स हम लोगों के पास मिलती है तो हम लोग फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक रामगढ़ उपचुनाव से संबंधित खबरों के लिए आप द फॉलोअप के साथ बने रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि किन इलाकों में क्या समस्या है, ताकि द फॉलोअप के रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे जा रहे हैं वो आपकी समस्याओं को लेकर के आपकी समस्याओं को आवाज़ दे सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करिए, ताकि आपके सवालों को जो है हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सकें। शुक्रिया।